टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को ठाणे से दीवा को जोड़ने वाली पांचवी और छठवीं लाइन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। शाम करीब 4:30 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पांचवी और छठवीं लाइन का लोकार्पण किया गया। ठाणे में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और राज्य मंत्री राव साहेब दानवे और खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार राजन विचारे, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ठाणे से दीवा को जोड़ने वाली जो पांचवी और छठवीं लाइन है, ये करीब 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए रवाना भी किया गया। साथ ही कहा है कि मुंबईकरों को आने जाने में अब बेहद ही सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी घोषणा की है कि आने वाले कुछ वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा दीवा और ठाणे के बीच में पांचवी और छठी लाइन का लोकार्पण किया गया। इससे मुंबईकरों, ठाणेकरों और कल्याणकरों सबको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। डेली 1 लाख से अधिक पैसेंजर इन दोनों लाइनों के कारण ट्रैवल कर पाएंगे आराम से, और जो लंबी दूरी की ट्रेन है और लोकल ट्रेन है, इसके बीच में एक सेपरेशन, एक अलग से दोनों को अलग अलग सुविधाएं मिले, वो एक सुविधा आज हो पाएगी। तो इसका मुंबई के लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, सबर्बन ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा एक नया अध्याय खुला है। एक बड़ा जो ट्रैफिक है, जो कि हम बात करें खुल्ला तक सीएसटी से आता है, मतलब उसके आगे की अगर बात करें तो उसको लेकर काफी, मतलब पांचवी छठी लाइन को लेकर जमीन अधिग्रहण का वो हो या कई अलग मुद्दे, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कई वर्षों से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग था। मोदी जी ने आने के बाद में 2015-16 में इसको, प्रोजेक्ट को फंड्स एलोकेट किए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेके, राज्य सरकार को साथ लेके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। सॉल्व करके आज ये शुभ दिन आया जैसे कि इन दोनों लाइंस पे ट्रेन्स दौड़ने लगी है। सर, 36 लोकल ट्रेनें चालू होने वाली है, मुंबई में लगभग 96 लोकल ट्रेनें हैं। हाँ, एसी हो चुकी है। हाँ, तो कहीं पे भी अभी किराए में कटौती की बात नहीं की गई है पूरे एसी लोकल का। मैं आपको सारे चीज़ें पहले स्पष्ट बता देता हूँ। एसी लोकल का मुद्दा ऑलरेडी रेलवे बोर्ड के पास पहुँच चुका है। किस तरह से इसका एक जन उपयोगी, जनहितकारी समाधान हो, उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। सर, इसमें फर्स्ट क्लास का क्या होगा जब एसी लोकल का? आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इसका मेट्रो के साथ, हर तरह की चीज़ों के साथ कंपैरिजन करके ठीक से एक अच्छा समाधान होगा, आप निश्चिंत रहिए। सर, मेरा सवाल मैं वापस दोहराती हूँ प्लीज। सर, जो कुर्ला से सीएसटी तक का जो पांचवी छठी लाइन है, उसको लेकर आपका धोरण क्या होगा, आपकी दृष्टि क्या होगी? कुर्ला से सीएसटी चल रहा है ना काम? इसके, आपने जिस लाइन का कहा, उसके एक हिस्से में लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, बाकी के हिस्से में बहुत सारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, उसका समाधान अभी निकालना बाकी है। सर, इसकी ऐतिहासिकता कहीं दिखाई नहीं देती, मतलब गुम सी हो गई है, तो इसकी ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए रेलवे क्या कर? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ठाणे भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसका जो ऐतिहासिक धरोहर है, इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए ठाणे रेलवे स्टेशन का कंप्लीट रीडेवलपमेंट किया जाएगा, इसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। साथ ही साथ इसकी हेरिटेज वैल्यू है, जो ऐतिहासिक वैल्यू है, उसको भी मेंटेन किया जाएगा। सर, आज आपने बाहर वड़ा पाव का लुत्फ उठाया, तो क्या रेलवे स्टॉल के वड़ा पाव में वड़ा पाव, कटिंग चाय मुंबई की कल्चर का एक हिस्सा है, और सबसे अच्छी बात है मुंबई के कल्चर की आत्मीयता, भाईचारा, उस भाईचारे का लुत्फ होता है। मैं बोल रहा हूँ, रेलवे स्टॉल में वड़ा पाव है, यहाँ पे लाखों लोग जो है उस पर डिपेंडेंट है, मुंबई के जो लोकल स्टेशनों पे
वड़ा पाव बिकती है, वड़ा पाव या रगड़ा पाव बिकता है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं उसमें कोई सर उसका उनका कहना है कि रेलवे के स्टॉल पर के जो वड़ा पाव है वो छोड़कर आप बाहर जाकर वड़ा पाव, पूरा देश एक है, कहीं पर भी खाओ, जहां आनंद से खाए। सर